सो गाइस, राधे राधे। और आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आपको ध्यान है तो होली वाला ब्लॉग मैंने यहीं पर बैठ के समाप्त किया था और यहीं बैठ के मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद वाला ही ये ब्लॉग है। क्योंकि 3:30 बजे ही हम लोग फ्री हो गए सारा कुछ करके, तो अभी से हम क्या करेंगे। और आज होली है तो कुछ काम भी नहीं हो सकता, तो कुछ ब्लॉगिंग, अभी एक वीडियो बनाऊंगी। और मैंने अभी बनाए थे, देखिए, आलू के पराठे और अचार। रायना खा रही है, लड्डू राधा मुरली को भोग लगा दिया था पहले ही, अब मेरी बारी है। तो ये खाने के बाद देखती हूँ क्या क्रिएटिविटी और हो सकती है, और फिर आपसे मिलती हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10 बजे, क्योंकि पूरे दिन मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। ऑफिस के कुछ सामान पैक करना था, वो भेजना था, वो सारा किया। शॉप का काम करना था, वो सारा किया। बैंक का कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो सारा किया। तो मतलब बैक टू बैक। और घर के काम तो होते ही हैं, घर की साफ सफाई, खाना पीना, ये सारा काम होता ही है। तो मतलब आज कुल मिला के मैं इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि पूरे दिन के बाद रात हो चुकी है और अभी मैं फ़ोन उठा रही हूँ। और आज थर्सडे है, तो थर्सडे को मंडी लगती है, तो सब्जी वगैरह लेनी होती है। सब्जी हमारी ऑलरेडी इतनी ख़राब हो रही है फ्रिज में। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो सब्जी ऑलरेडी इतना ख़राब हो रही है फ्रिज में कि मैं ज़्यादा कुछ लेकर के नहीं आई, पर मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये है लाल मिर्च, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं या कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं तो उसमें चाहिए होती है लाल मिर्च, और इसके अंदर ही कुटी वाली लाल मिर्च भी है। तो मैंने ये मिर्च खरीदी। और एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ आपको, हरा धनिया, बहुत सारा हरा धनिया है। इसकी मैं बनाऊंगी चटनी, प्याज टमाटर और धनिया। पुदीना नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं पुदीना भी लेके आती, तो इसकी चटनी बना दूंगी। ये पूरे हमारे एक हफ्ते चलेगी। और ये मैं खरीद के लाई अदरक, क्योंकि अदरक के बिना तो मेरी जिंदगी ही अधूरी है। बिना अदरक के कुछ काम ही नहीं होता, यानी कि हम लोग प्याज कम से कम यूज करते हैं और अदरक ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो चाय में भी अदरक पड़ती है, कई बार तड़का वड़का लगाती हूँ। लड्डू गोपाल जी को प्याज का भोग नहीं लगता, तो प्याज की जगह भी अदरक का ही प्रयोग होता है हमारे घर में। और ये है टमाटर। तो ये सिर्फ 4 चीजें मैं लेकर के आई, और सब्जियां इसमें एक भी नहीं है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या है, अदरक है, अदरक के बाद मिर्च है, धनिया है और टमाटर है। सब्जियां ऑलरेडी इतनी सारी पड़ी हुई हैं घर में, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर वगैरह, वो ही खत्म नहीं होते रहे, और नया लाने का कोई फायदा था नहीं। तो मैं शॉप से आते आते ये सारा सामान भी लेकर के आई। और कल का क्या टास्क होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मेरी नन्नी ने चाय बना करके दी है, तो मैं ये चाय पीती हूँ। और चाय पीने के बाद आप लोगों को लड्डू राधा मुरली के दर्शन जरूर कराती हूँ। और उसके बाद तो क्या ही व्लॉगिंग हो पाएगी, रात के 11 बज जाएंगे, लेकिन जो भी होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। और आज इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं शॉप से ही 9 बजे निकली थी, और क्योंकि कोई आ गए थे शॉप पे मेरे भाई, उन लोगों को भी कुछ काम स्टार्ट करना था। तो वो सारा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं, तो ये सारा डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो इस वजह से 9 बज गया आज शॉप पे ही। तो 9 बजे मैं निकली, फिर उसके बाद मार्केट से थोड़ा बहुत ये सामान खरीदा, और अभी घर आई, हाथ मुंह धोया, बस नन्नी ने चाय बना के दे दी। तो ये सारी दिनचर्या थी आज की, एक बहुत ही व्यस्त दिनचर्या थी आज की। तो आपसे मिलेंगे हम थोड़े देर के बाद, कल नहीं, अभी लड्डू राधा मुरली के दर्शन कराने बाकी रहते हैं। उनको भी चाय दे रखी है, क्योंकि लेट घर आई हूँ तो लेट ही सारा काम होगा ऑब्वियसली। और चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है काम करने की, तो ये सारा कर लेते हैं, लड्डू राधा मुरली के दर्शन फिर कराते हैं। तो दोस्तों, समय की व्यस्तता के चलते मुझे इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करना पड़ा। मैं बहुत थक गई थी तो सो गई थी। तो आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा।